इस महीने कराओ, अगले महीने अगले महीने कराना खत्म हो जाए। ये जो हमारी ड्राइव है अगेंस्ट थेफ्ट है, अगेंस्ट इलीगल जो लोड यूज़ कर रहे हैं उनके अगेंस्ट है, और फॉर रेवेन्यू कलेक्शन है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अब चंद ही दिन बचे हैं और हमारा जो रेवेन्यू टारगेट हमें दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा है और अभी तक कलेक्शन हमारी बहुत कम हुई है। तो मैं इस संबंध में लोगों से अपील करूँगा कि जो जितनी पावर चलाता है वो उसका किराया दे दे और जिसके आउटस्टैंडिंग है वो जल्द अज़ जल्द इसको क्लियर करें, वरना आउटस्टैंडिंग जिसके अगेंस्ट होगी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, उसके डिस्कनेक्शन हो जाएगी, तो उसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इसको लेकर बड़ी संजीदा है कि लोग जो जहाँ बिजली हम जहाँ तक पहुँचा रहे हैं जितनी बिजली दे रहे हैं तो उसका जो है किराया है वो आना ज़रूरी है, वो आना चाहिए। सर देखने में आया कि बाज़ार में काफ़ी लोगों को जो इससे पहले आपने ड्राइव चलाई थी उस पर उनको आपने छूट दी थी कि आप एक महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर अपना सारा जो किराया वो जमा करवाएंगे, उसके बावजूद भी जो है उन्होंने किराया नहीं जमा कराया, उनके लिए आपकी तरफ से क्या? जिसने अभी तक अपना आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं किए हैं उसको हम डिस्कनेक्शन कर रहे हैं और पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं, और जब तक वो सारा क्लियर नहीं करेगा उस पर रिकनेक्शन नहीं होगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि आपको परेशान होने से पहले पहले जब हमारे लोग आजकल फील्ड में ही होते हैं, अपना अपना जिसका जो है वो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकता है, ज़रूरी नहीं है बैंक में जाएं, ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं, और कोशिश करें कि इस महीने, क्योंकि हमारा जो टारगेट है अभी हम 50% अचीवमेंट पर नहीं पहुँचे, 1.5 अरब टारगेट है हमारा डिवीजन पहुँच का, तो अभी हमने 50 करोड़ भी नहीं पार किया है, तो ये लोगों की तरफ ही आउटस्टैंडिंग है। अगर उनको स्मूथ पावर चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर चाहिए, तो वो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपने आउटस्टैंडिंग क्लियर करें, और जितना डिपार्टमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट है उतना ही लोड चलाएं। लोग लोड ज़्यादा चलाते हैं, एग्रीमेंट कम होता है, तो उस जिम्मे में जब हमारी इंस्पेक्शन टीमें जाती हैं तो जहाँ जहाँ हम इलीगल लोड पाते हैं फिर उनको फ़ाइन पड़ता है, फिर वो बाद में मेरे पास आते हैं, देखो जी किराया अचानक ज़्यादा आ गया है, ये हो गया हो गया, तो वो यही होता है कि अगर आपने घर में गीज़र भी लगाया हुआ है, बॉयलर भी लगाया हुआ है, हीटर भी चला रहे हैं, लाइट भी चला रहे हैं, फ्रिज भी है, एसी भी है, तो आप ये सोचेंगे कि 1000 रुपये किराया है वो नहीं आएगा, फिर जब हमारी टीम जाएगी वो जो इतना लोड आपके घर के अंदर होगा वो सारा असेस होकर फिर उसी के हिसाब से किराया आएगा। सर ये ड्राइव आपकी जो है कंटिन्यू रहेगी या? बिल्कुल, आप 12 महीने रहेगी, क्योंकि अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे 12 ऑफिसर जो है गवर्नमेंट ने सिर्फ पोअर रेवेन्यू रियलाइजेशन जो कम किराया आने की वजह से जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं, तो अब गवर्नमेंट जो है वो एक्शन मोड में है, वो तो ये एक्शन कहीं भी हो सकता है, हमारे खिलाफ भी हो सकता है, तो इस लिहाजा हमने अभी ये फैसला लिया है कि ये हमारा जो ड्राइव है ये 12 महीने रहेगा, तो इसलिए बेहतर है कि लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जितना आप बिजली जला रहे हैं उसी के हिसाब से किराए भी दें, और जितना एग्रीमेंट हमारे साथ है डिपार्टमेंट के साथ जितना एग्रीमेंट है तो आप उतनी बिजली जलाएँ, अगर आप एग्रीमेंट 1 किलोवाट का है तो आपके घर में अगर उससे ज़्यादा पाया गया तो फिर वो आपका फाइन इम्पोज होगा और आपको देना पड़ेगा।